बड़ी खबर, आमगांव विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पुराम कहते हैं कि वे अपने क्षेत्र का विकास करने में सफल रहे हैं, लेकिन जब हमारी चैनल की टीम ने इनके विधानसभा क्षेत्र का जब जमीनी तौर पर सर्वे किया तो देखिए इनके विधानसभा क्षेत्र के गांव के लोगों का क्या है कहना। हम लोग इस वक्त मौजूद है आमगांव विधानसभा क्षेत्र के देवरी तहसील के तहत आने वाले पुराड़ा ग्राम में। इस पुराड़ा ग्राम की खासियत यह है कि यहाँ के जो विधायक हैं वह भी इसी गांव के हैं, संजय पुराम। लगभग हमने जो हमारी टीम है यह इस जगह इसलिए पहुँची है कि हम जानना चाहते थे कि एक विधायक जब इस क्षेत्र से चुन के आता है तो पिछले 5 वर्षों में उन्होंने अपने गांव में और या अपने विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट किया हुआ है। अब इसी के चलते जब हम गांव वालों से अभी चर्चा करेंगे कि इनके गांव में क्या क्या विकासात्मक कार्य हुए हैं और स्थानीय विकास निधि के तहत कितने पैमाने पर काम किए गए हैं, अब चर्चा करते हैं। हम हमारे कुछ साथ जुड़े हैं। क्या नाम है आपका सरपंच साहब? सरपंच मैं रमेश साखरे। मेरे साथ अभी रमेश साखरे जी हैं, यह इस पुराड़ा ग्राम के सरपंच भी हैं। हम अब उन्हीं से चर्चा करेंगे कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके क्या क्या चीज़ें और क्या क्या उनका यहाँ योगदान बना हुआ है। तो बताइए कि आपके यहाँ इस वर्ष रोजगार हमी के काम चले या नहीं चले? रोजगार हमी के काम अपने गांव में चले लेकिन बहुत कम चले हैं, लगभग 2-3 मास्टर यानी 15-20 दिन चले। लगभग इनके गांव में 15-20 दिन के रोजगार हमी के काम चले, यानी इस गांव के लोगों को रोजगार 15-20 दिन का ही मिल पाया है, जबकि सरकार ने इसकी पहले की सरकार ने 100 दिन का वादा किया हुआ था, लेकिन यह सरकार वो 100 दिन भी इन्हें काम देने में असमर्थ रही। अच्छा, यहाँ की जो बिजली वगैरह है या पीने के पानी की समस्या या यहाँ नालियाँ वगैरह ये सारी चीज़ें हैं आपके गाँव में? यहाँ पर बिजली है लेकिन उतना जो स्ट्रीट लाइट है उसमें अपन जो पहले से है वो, लेकिन जो रोड रास्ते है नाली है इसका काम कुछ हुआ नहीं है। हम निवेदन आमदार साहब को बोले कि ये काम बहुत ज़रूरतमंद है और ये काम होना चाहिए, करेंगे, ऐसा उन्होंने हमको सुझाव दिया। यहाँ के जो स्थानीय विधायक से इन्होंने चर्चा भी की थी और उन्होंने यहाँ की जो समस्याओं से उन्हें अवगत कराया था कि यहाँ की रास्तों की हालत काफ़ी ख़राब है और यहाँ की जो वाटर ड्रेनिंग है जिसमें जो वेस्ट वाटर बहा जाता है, पानी जो होता है वो भी नालियाँ बहुत ख़राब स्थिति में है और ऐसी सिचुएशन में उन्हें तत्काल रिपेयरिंग किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा था। अच्छा, यहाँ एक और शिक्षा के क्या साधन है आपके गाँव? शिक्षा के साधन यानी अपना पुराड़ा अंतर्गत जो भी हाई स्कूल है और कॉलेज है वो वहाँ तक ठीक है, लेकिन यहाँ से जो सुविधा है जाने के आने के लिए बच्चों के लिए वो तो मानव विकास के अंतर्गत चालू है, लेकिन फिलहाल में जैसा आवागमन के लिए लोगों को यहाँ से देवरी तालुका होने के कारण वहाँ जाना पड़ता है, तो वहाँ जो बसेस का और सुविधा होना बहुत ज़रूरी है। पुराड़ा ग्राम में यहाँ लगभग जो बस ST विभाग की ओर से चलाई जाती है, महाराष्ट्र परिवहन महानिगम के तरफ से, तो वो बस की यहाँ कमतरता है। यहाँ केवल मानव विकास यंत्रणा की ओर से जो स्कूली बच्चों को लाने ले जाने के लिए जो बस चलाई जा रही है, लेकिन यहाँ जो स्थानीय लोग हैं जिनको जैसे तहसील स्तर पर कोई काम होता है या तहसील के गाँव में जाने का अगर उनको ये होता है तो ऐसे समय में इन्हें बहुत काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए सरपंच साहब, यहाँ के जो स्थानीय जो विधायक है उनसे आपके गांव में क्या क्या योजनाओं के तहत, यानी उनका एक क्या बोला जाएगा, उसका एक स्थानीय विकास निधि होता है जो सरकार उन्हें देती है अपने क्षेत्र में, जो उन्होंने जो मतदाताओं ने चुन के दिया है तो उनको असुविधा ना हो इसलिए उनको एक फंड देते हैं 25-15 के तहत, तो ऐसे कितने काम हो चुके हैं आपके गाँव में? यहाँ पर 25-15 के अंतर्गत हमारे इस 5 वर्ष के कालकाल में 25-15 के अंतर्गत विशेष काम नहीं हुए। तो यहाँ आपके स्वास्थ्य सेवा की क्या कंडीशन है? स्वास्थ्य सेवा की कंडीशन यहाँ नहीं, डॉक्टर नहीं है, गलत कंडीशन, बहुत गलत डॉक्टर नहीं है आपके यहाँ? अच्छा, और आरोग्य भी नहीं है, दोनों में नहीं है। अच्छा, तो यहाँ जो आपके जैसे गांव में जैसे अगर स्वास्थ्य किसी की तबीयत खराब वगैरह हो जाए तो फिर आप कैसे क्या करते हैं? 10 किलोमीटर का अंतर यहाँ से जाना पड़ता है, साधन सुविधाएं नहीं, रात को नहीं हो सकती है। अच्छा, ऐसा यानी अपना यहाँ कुछ फिर आरोग्य पदक से ये गाड़ी भी दिए थे लेकिन वो गाड़ी भी यहाँ से कुछ मुल्ला। तो अभी हमारे इधर सबसे ज्यादा पानी की समस्या है,
पीने के पानी की? पीने की नहीं, सिंचन की। अच्छा, सिंचन की। तो सिंचन की व्यवस्था में अभी तक के उन्होंने कुछ किया नहीं? किसी ने कुछ नहीं किया लोगों ने। अच्छा, साधन तो पानी के नजदीक ही ढेर है। अच्छा, भरा हुआ डैम। यानी आपके नजदीक कौन सा वाला डैम है यहाँ? ये कोटरा। अच्छा, कोटरा डैम के पास पुजारी टोला जो बोला जाता है वो डैम के नजदीक है आपका गांव? अच्छा, ये पुजारी टोले का धरण यहाँ तक भरा रहता ना पूरा? सिर धरण का पानी पुजारी टोले में जमा होता है। हाँ। कालीसरण धाम का पुजारी टोले में जमा होता है। ये टैंक है, आसपास पानी है हमारे गांव के पीछे, लेकिन हमारे पुराड़े के क्षेत्र में एक भी पानी वो नदी का नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, ये समस्या सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा हमारे किसानों की समस्या है। अच्छा, तो अच्छा आपके यहाँ गाँव में पीक बीमा वगैरह के पैसे मिले हैं? नहीं, नहीं मिले। अच्छा, जैसी फसल वगैरह बर्बाद होती है तो किसी को कोई सहायता मिले? ये 2000 सम्मान योजना की वो भी नहीं मिले। अच्छा, किसान सम्मान योजना के अभी तक के नहीं मिले? नहीं मिले। अच्छा, आपके गांव में जो कुशल अकुशल कामगार होते हैं तो उनके लिए भी कुछ अभी सरकार की ओर से पेटी वगैरह दी जा रही है, वो मिली है? नहीं मिली। अच्छा, तो लगभग आपके गांव में काफी यानी ये है, हाँ, समस्याओं का ये है। फिर जैसा अगर किसी को बुखार आ जाए या किसी का कुछ हादसा हो जाए तो ऐसे सिचुएशन में फिर क्या करते हैं आप? वही प्राइवेट गांव की गाड़ियां है। अच्छा, गांव में गाड़ियां हैं तो उन्हीं से ले जाते हैं। तो विधायक जी के यहाँ भी तो एक एम्बुलेंस खड़ी रहती है, उनको भी एक एम्बुलेंस दी जाती है, वो उसका कभी उपयोग नहीं? इन्होंने कैसा होता है, स्थानीय विकास निधि के तौर पर इनके ये एक एम्बुलेंस भी खरीदते हैं गांव वालों के लिए जो वहाँ जिस गांव में रहते हैं। जैसे अभी हम यहाँ से जो नजदीक, अच्छा यहाँ अभी तक एम्बुलेंस वगैरह नहीं है? अच्छा, तो जैसा कि देखा दर्शकों ने कि हम जिस मकसद से इस गांव में आए थे, इस गांव में लगभग समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। देखना यह है कि यह समस्या इनकी ये पिछले 5 वर्षों में तो सुधर नहीं पाई है, क्या भविष्य में इनका ये समस्याएं सुधर पाएगी? मैं कैमरामैन नीलेश पसीने के साथ निशांत भाई। देखा, यह है जमीनी हकीकत। आमगांव विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के विधायक संजय पुराम की हकीकत। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।